आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यूके ट्रिपल एससी की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी अभी भी सरकार से परीक्षा रद्द न करने की गुहार लगाए हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से हुई मुलाकात के बाद भी चयनित युवाओं को न्याय नहीं मिल पाया है। चयनित अभ्यर्थी अभी भी इस आस में हैं कि सरकार भर्ती परीक्षा को रद्द करने के बजाय घूस देकर पास होने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करेगी और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए युवाओं को नियुक्ति मिलेगी। इस बीच न्याय की तलाश में चयनित युवाओं ने उत्तराखंड के लोक देवताओं की अदालत में गुहार लगानी शुरू कर दी है। चयनित अभ्यर्थियों ने पहले न्याय के देवता गोलजू महाराज के दरबार में याचना पत्र दिया और अब चयनित युवा महासु देवता से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बीते दिन उत्तराखंड के चयनित अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे युवाओं ने महासु देवता के दरबार में माथा टेक उनसे न्याय की गुहार लगाई। चयनित युवाओं का कहना है कि उन्होंने हनौल में महासु महाराज के दरबार में अर्जी लगाई है ताकि मेहनती सफल छात्रों को न्याय मिले, भ्रष्टाचारियों का नाश हो। उन्होंने कहा कि चयनित युवाओं ने मजबूर होकर लौकिक अदालत से मामला दैवीय अदालत तक ले जाने का मन बनाया है। उन्होंने महासु देवता से प्रार्थना की कि महासु देवता सबके साथ न्याय करेंगे, भ्रष्टाचारियों का नाश होगा, जिनकी मंशा खराब है उनका विनाश होगा, मेहनती ईमानदार अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। साथ ही चयनित अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़कों पर उतरने का भी मन बना चुके हैं। शीघ्र ही चयनित अभ्यर्थियों का राज्यव्यापी आंदोलन एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।